भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन दोनों की दोस्ती के किस्से काफी मशहूर है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रेपो शेयर करते हैं और एक दूसरे की कंपनी खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ पवन सिंह को प्यार से क्या बुलाते हैं? हमें पता है आप बोलेंगे उनका पेट नेम हनुमान, लेकिन वो उन्हें उनके पेट नेम से नहीं बुलाते, वो उन्हें गुंडा बुलाते हैं। जी हाँ, पवन सिंह को निरहुआ प्यार से गुंडा बुलाते हैं और वो साथ में ये भी कहते हैं कि इस गुंडे को सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। वैसे पवन सिंह भी कुछ कम नहीं है। पवन सिंह हमेशा अपनी हरकतों से, अपनी शरारतों से, वो जब भी निरहुआ के साथ रहते हैं उन्हें तंग करते ही रहते हैं। लेकिन निरहुआ अपने छोटे भाई पवन सिंह की हर एक मस्ती को नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे आपको यहाँ बता दे कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका जरा भी नहीं खोते। अगर ये दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो फोन पर बात करना बिल्कुल नहीं भूलते। निरहुआ समय समय पर पवन सिंह को हमेशा उनके प्रॉब्लम्स के लिए सल्यूशन जरूर देते रहते हैं और पवन भी निरहुआ की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बताई हर बात का सम्मान करते हैं। वैसे आपको यहाँ बता दे कि जितने प्यारे निरहुआ को पवन सिंह हैं, उतनी ही प्यारी अक्षरा सिंह भी हैं। जी हाँ, अक्षरा सिंह भी निरहुआ की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और निरहुआ भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर शायद यही कारण है कि पवन और अक्षरा के बीच इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी पवन अक्षरा के किसी भी काम के लिए इंटरफेयर नहीं करते। यानी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि उन्हें हर एक फिल्मों से उन्होंने निकलवा दिया है, वो तो बात एक तरह से सच है, लेकिन पवन से दुश्मनी लेने के बावजूद भी अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जमी और टिकी दोनों हैं, तो सिर्फ और सिर्फ निरहुआ की वजह से। क्योंकि पवन और अक्षरा की लड़ाई में निरहुआ ने पीस मेकर का ही काम किया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।